सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के टॉप एक्टर अमिताभ बच्चन ने मुसलमानों के लाउड स्पीकर के मामले को लेकर क्या कहा उसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कुछ दिनों से भारत देश में मुसलमानों की अजा को लेकर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अजा को लाउड स्पीकर पर बैन कर देना चाहिए। इसी के चलते कई सारे लोगों ने मुसलमानों के इंसाफ के लिए आवाज उठाई। हाल ही में बॉलीवुड के टॉप एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी लाउडस्पीकर पर अजान के इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ी बात हम सबके सामने रखी। आखिर ऐसा क्या कह दिया अमिताभ बच्चन ने मुसलमानों की अजान को लेकर, जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुसलमानों के खिलाफ काफी ज्यादा जुल्म किया जा रहा है और इस बुरे वक्त में मैं मुस्लिम भाइयों और बहनों की पूरी मदद करूंगा। अमिताभ बच्चन का कहना है कि दुनिया का सबसे नेक और सच्चा इंसान एक मुस्लिम इंसान होता है क्योंकि इस्लाम में हमेशा सच बोलना सिखाया जाता है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि अगर बात आती है लाउडस्पीकर पर अजान की तो अजान किसी भी तरह से हमें परेशान नहीं करती है बल्कि लाउडस्पीकर पर अजान सुनने से दिल और जान को ठंडक पहुँचती है। अमिताभ बच्चन का कहना है कि इस्लाम धर्म एक बहुत ही प्यारा धर्म है। आज भारत देश में हम सब लोगों के बीच यूनिटी खत्म हो रही है। अमिताभ बच्चन का कहना है कि भारत देश में हम सबको मिलकर भाई बहन की तरह रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए और हम सबको साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अमिताभ बच्चन का कहना है कि अजा को लेकर जो भी लोग गंदे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उन्हें तो सजा मिलकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए अजा तो लाउडस्पीकर पर ही होगी। अमिताभ बच्चन का कहना है कि आज भारत देश के इस प्यारे माहौल को कोई भी इंसान खराब नहीं कर सकता है। वैसे दोस्तों आप सब लोगों का क्या कहना है अमिताभ बच्चन की इस बात को लेकर, आप सब लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना।